थाना बेलघाट के पांडे पार निवासी शातिर अपराधी सुनील यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव ने क्राइम ब्रांच और पुलिस के दबाव में आकर पुराने मुकदमों के संबंध में शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि अभियुक्त सुनील यादव हाल ही में जनपद के थाना उरवा व गगहा क्षेत्र में हुई लूट की घटना में विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहा था। इन सभी घटनाओं में शामिल अभियुक्त सुनील यादव के साथी रजनीश यादव को हाल ही में क्राइम ब्रांच और उरवा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें सुनील का भी नाम प्रकाश में आया था। अभियुक्त सुनील का नाम प्रकाश में आने के बाद लगातार स्थानीय पुलिस व क्राइम ब्रांच के द्वारा दबिश दी जा रही थी, जिसके कारण अभियुक्त सुनील द्वारा शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पुराने मुकदमों के संबंध में आत्मसमर्पण कर दिया गया, जबकि इसके दो साथी बलराम तिवारी और उदयवीर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ व सीओ क्राइम परवीर कुमार सिंह ने बताया। ये कुख्यात लुटेरा अपराधी सुनील यादव ग्राम पांडे पार थाना बेलघाट का रहने वाला था। इसका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है पहले से। इसके अलावा हाल में ही गगहा और उरवा में जो लूट की घटना सुनियोजित ढंग से कारित की गई थी, उसमें इसका साथी रजनीश यादव अभी क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल भेजा गया था। उसमें ये जो आज आत्मसमर्पण किया सुनील यादव, इसके अलावा बलराम तिवारी और उदयवीर भी वांछित थे। आज इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के दबाव में जो ये लगातार एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार दबिश की प्रक्रिया चल रही थी, उसी क्रम में आज इसने यहाँ पे ठीक माननीय न्यायालय के समक्ष ये पूर्व के एक वारंट को तोड़वा के यहाँ पे आत्मसमर्पण किया। बिल्कुल, अभी ये बलराम तिवारी और उदयवीर ये दोनों साथी बाहर हैं और जल्द ही इन दोनों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तो इसके ऊपर इनाम नहीं था, अभी इनाम की प्रक्रिया आगे चल रही है।